हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम Yeah.
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य
मनंद बाहु शशि सूर्य श्यामीत शव स्वे स्वीर व्याके आमी सुरसंग्राहि संधि प्रांजल स्वस्ति महर्षि सिद्ध संघ स्तुवन्ति स्तुति सो ये साध्या विश्वेश्म मरुत सोष्मास सुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते स्मिता सेव सर्वे शतव्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिहिता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तमाधिदेव पुरुष पुराण स्वमस्य ईश्वरस्य करं विधानम् भित्तास्ति विद्यं च परं च धाम त्वया कृतं ईश्वरमनं वायुर्यमो मे वरुणशशां कवितामहस्ते सुसहस्रते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते कविकमस्तु सर्वं समातो हिततो हि सर्व सघेति मात्वा प्रसन्नं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सघेति मया प्रमादात्मये न
गीता जी का पाठ 8वां अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशान्ति यद्यतयो वीतरागा यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेणाप्यवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदिरोग्यतोर्ज्ञाधायात्मनुष्ठान मास्तुतो योगधारणाम् ओमेति काक्षरं ब्रह्म व्याहरन्नामनुस्मरन् य प्रयाते त्यजन् देहम् याति परमाङ्गतिम् अनन्यते सा सततम् यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभपार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् माप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमाङ्गता अब्रह्मभुवनाल्लोक पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तो महर्य ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्तं ते होरात्रविदो जना अव्यक्ताद्यक्तयः सर्वा
प्रभवंचरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्रामसैवायं भूत्वा प्रलीयते रात्यागमेव सर्पार्थ प्रभवच्यरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 27 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम सेवा करेगा भक्त सेवा करेगा संसारी संसार को भगवान का स्वरूप समझ कर सेवा करेगा उसका उद्देश्य तो भगवान है ना है? उसका उद्देश्य तो भगवान है ना संसार नहीं है ना
नहीं तो संसार नहीं है तो संसार बुद्धि वाला कोई सेवा करेगा, भगवान की सेवा करेगा। वो संसार परमात्मा का स्वरूप है ना, वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव स्वरूप वासुदेव सेवा करेगा, सेवा करना हमारा काम है। सेवा ही सेवा ही सेवा, उसका फल चाहना तो सेवा सेवा नहीं है। सेवक सुख चाह मान दिखाई, सेवक सुख चाहता ही नहीं, अपने कुछ चाहता ही नहीं, कुछ चाहता वो सेवा नहीं कर सकता। जो कुछ भी चाह ना रखता है वो सेवा नहीं कर सकता। सेवा वही कर सकता है जो निष्काम होता है, और कोई कामना पूर्ति के लिए सेवा करता है वो व्यापार है। नशा वृत्ति सेवे बड़िक, वो व्यापारी है, वो जो दास हो सेवक हो रही हो, सेवक की कोई इच्छा चाहिए नहीं। क्यों सेवा करे? अरे वो भी सेवा भी उनकी जीव वस्तु से उनकी सेवा करे, मानो संसार जीव चीज संसार सेवा करे, परमात्मा जीव की सेवा परमात्मा की सेवा करे। इसका वर्णन आया है कि जैसे गंगा जल से गंगा जल गंगा जी की पूजा की जाए, जैसे समुद्र के जल से समुद्र की पूजा की जाए, जैसे दीपक से भगवान सूर्य को सूर्य की आरती की जाए दीपक से, उसी की वस्तु है, उसी की वस्तु से उसी की सेवा की जाए। फल अपना क्या चाह, अपनी कोई चीज है ही नहीं, फल क्या चाह, फल तो अपनी कोई वस्तु हो तो हो, अपनी है ही नहीं, उसी परमात्मा ने उसी सेवा में लगा दे, अपने कुछ नहीं, कोई चाह नहीं अपनी, उद्देश्य सेवा ही होता, उद्देश्य कामना नहीं होती। उद्देश्य कामना दो है, हमने देख लिखा कि याद नहीं कहाँ कहाँ लिखा है, उद्देश्य और होता है कामना और होती है। तो काम क्रिया में प्रवृत्ति कैसे हो, कामना के बिना किसी काम करने में प्रवृत्ति कैसे हो, ये प्रश्न है। तो प्रवृत्ति कामना के बिना होती है, उद्देश्य सिद्धि के लिए होती है, उद्देश्य वो उत्पत्ति विनाश वाला नहीं होता है। उद्देश्य अपना है, अपना ध्येय अपना उद्देश्य वो सबसे ऊंचा चीज है, सबसे ऊंची चीज है। उद्देश्य निष्काम भाव है वही उद्देश्य होता है, सकाम भाव तो कामना होती है, वो उद्देश्य नहीं होता है। कर्तव्य है वो कामना नहीं। ये देखो कि ये जब अपने शास्त्रों की ऋषियों की जो वृत्ति है उनका सिद्धांत है उसका वर्णन है, उसमें हर एक बात के सूक्ष्मता का वर्णन है। तो सूक्ष्मता में यहाँ तक सूक्ष्मता है कि अपने कल्याण की कामना भी न हो, अत्यंत सूक्ष्म है। कल्याण की कामना दोष नहीं है, पाप नहीं है, निष्काम भाव हो तो कैसा होना चाहिए, निष्काम भाव की बात अपने उद्देश्य को लेकर करे तो कोई है नहीं। उसमें उद्देश्य में ये बढ़िया है कि दुनिया मात्र का कल्याण हो, जहाँ कामना बता रहे वो अपने उद्देश्य की कामना बता तो अपना कल्याण नहीं, दुनिया मात्र का कल्याण हो। शेठ जी ने सत्संग लिखा ही है, पहले कल्याण शुरू नहीं होते उससे पहले एक कॉपी में लिखा हुआ मैंने सुना था, रतनगढ़ में शेर जी थे बीमार, तो उस समय सुबह जल्दी लोग चाहते थे तो सुनाया करते थे, और मन प्रसाद जी वो लिख लिया करते थे सत्संग की बातें। तो उसमें ऐसी बात आई, शेर जी ने कहा कि मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है और दुनिया का कल्याण हो जाए, ऐसी बातें भी लिखी है। उसने ऐसा लिखा था कि वैज्ञानिकों ने ये कहा कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, इतना इतना विज्ञान हमारा हो गया है। इस विषय में शेर जी ने कहा कि दुनिया का हित करना, दुनिया का कल्याण करना, इन बातों को तो हम जान गए हैं, वो उद्धार की बात है। अब दुनिया का उद्धार से अगली क्या बात है, किसी दर्शन स्पर्श भाषण और चिंतन, जिनके दर्शन से, जिसके भाषण से, जिसके चिंतन से, स्पर्श से दूसरों कल्याण हो जाए, याद करने से भी कल्याण हो जाए,
और इससे भी ऊंचा है कि उसके घर का अन्न खाकर कल्याण हो जाए। ऐसा संत बन सकता है जिसके अन्न खाने से ही कल्याण हो जाए उसका। तो ऐसा मैं बन नहीं सका हूँ, यहाँ पे पहुंचा हूँ युक्तियां कल्याण की बता दू, जिनसे जीव अपना कल्याण कर सके। यहाँ तक पहुंचे, वहां तक मैं नहीं पहुंचा हूँ। तो वहां तक पहुंचने की युक्ति मेरे को याद है, काम में मैं नहीं ला सका हूँ। तो वो काम नहीं, वो विधि क्या है? तो उसे वो युक्ति ने बताया कि भगवान का भजन करे, चिंतन करे, ध्यान करे, सब लगावे। उसने ये कर दे कि महाराज मेरा कर, मेरे सिवाय दुनिया मात्र का कल्याण हो जाए, हमारा नहीं, सब का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर किया जाए। ऐसे उद्देश्य रखकर के भजन स्मरण किया जाए। और उसने बताया कि इसका जो कोई महात्म होता है, इतना उद्देश्य ऊंचा रख कर किया जाए तो इसका बहुत बड़ा पुण्य होगा। तो वो पुण्य हो जाए, उस पुण्य का फल भी ये हो कि दुनिया का कल्याण हो, और दुनिया के कल्याण का जो भाव रहेगा इसका पुण्य होगा, उसका पुण्य भी यही होगा दुनिया का। जो कोई किसी ब्रह्मांड में किसी जगह थी और कोई बाकी उनका कल्याण हो अपने में, ऐसा पुण्य करने से उस पुरुष के दर्शन भाषण से देखने मात्र से कल्याण हो जाए। और ऐसे अन्न उपार्जन किया जाए, उसमें व्यापार किया जाए, कर खेती की जाए, उसने सबके हित के लिए मात्र प्राणी के कल्याण के लिए किया जाए, मात्र काम उसका मात्र जीव कल्याण के लिए किया जाए। तो उसकी प्रवृत्ति मात्र होती है ऐसे, तो उसके दर्शन करने से कल्याण हो जाए, उसको उद्धार करने से कल्याण हो जाए, उसका व्यापार भी ऐसा हो कि जिसमें दुनिया का हित मात्र कोई न हो, बेचारा अपना कुछ नहीं, तो उसके घर का अन्न खाने से भी कल्याण हो जाए। तो ऐसा मैं कर नहीं सका हूँ, क्योंकि जो दुकान आदि काम करता हूँ मैं, तो उस मेरे साथ कई और भी साथ होते हैं, उन सबके साथ सबका ऐसा भाव न होने से वैसा अन्न मेरा नहीं हुआ है। इसे कहा था जैसे कि मेरे घर का अन्न खाने से कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं कर सका हूँ। और हमारे साधक है ऐसे, जो साधक है उनके व्यक्तियों के सहित साथ 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 में एक सही स्पर्श होते रहने पर भी, महीन पर साथ रहने पर उनके काम जागृति नहीं होता, ऐसे ऐसे साधक हमारे हो गए हैं। परंतु इससे उनसे साधक अभी कोई नहीं बना है, ऐसी बात नहीं है। काफी थी बुजारी जी के पास, हाँ गंभीर से बुजारी जी के पास काफी थी, उसे मैंने सुना। तो ऐसी सत्संग हुई थी। मनुष्य ऐसा हो सकता है, मातृ दुनिया कल्याण करो। शेर ने कहा ऐसी एक कुर्सी है, ऐसा एक स्थान बाकी है, वो खाली है, वो खाली क्या, मातृ दुनिया का कल्याण कर रहे, मातृ जीव का कल्याण कर रहे, ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ। प्रमाण प्रमाण हम लोग बैठे थे, हम लोग हमारे कैसे रहते, ऐसा कोई हुआ नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पुरुष बन सकता है, क्योंकि एक का कल्याण हो तो हजार के हो सकता है, लाख का, करोड़ का भी, अरबों का भी, सबका हो सकता है। जैसे हवाई जहाज बनाया तो इसमें बड़ा बन सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है। इस तरह से उनसे दुनिया कल्याण करने के लिए ऐसा आदमी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। तो अपना कल्याण नहीं, दूसरों का कल्याण, ऐसे कल्याण की बात। तो अपने कल्याण का दोष नहीं है, पाप नहीं है, परंतु ऐसा उद्देश्य हो गई मेरा हो। एक कहानी ऐसी शरीर कही कि कोई भक्त था, तो भगवान को प्रकट किया, भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांग, तो भी वरदान मांगू, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, कहते तुम वरदान, मैं देने वाले हूँ, तो मेरे कुछ न कुछ तो साथ हो जाए, तो वरदान मांग, तो वरदान मांगू तो आप पहले भस्म दो, जो तू मांगेगा सही दूंगा। प्रश्न क्या रहे, मैं कहता हूँ तुम तो चाहे सही मांग रहे, चाहे सही मांग रहे, तो वचन तो नहीं दिया भगवान ने, कहते चाहे सही मांग रहे, तो चाहे सही मांग लो, ये मांगता हूँ कि दुनिया मात्र का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। तो ये बात तो भैया संभव नहीं है, कि आप तो असंभव को संभव कर देते हो, कल्याण करना संभव क्यों नहीं है? सब कल्याण तो हो तो सकता ही है,
तो कभी ये तो का पाप कौन भोगेगा, जितने लोगों को सबको कल्याण कर दो तो सब लोगों का पाप कौन भोगेगा। तो कहा कि आप जो भोगता हो पाप मैं भोगूंगा, दुनिया को छुट्टी दो सबको, उनके पापों को सबको मैं भोगूंगा। ऐसा भाई मैं कर नहीं सकता, तेरे को पाप भोगता हूँ ये तो विचार नहीं है, तो माफ कर दो, सब क्षमा कर दो, माफ कर दो, भोगता हो तो भैया तू जीत गया मैं हार गया, कि इस जीत से मेरे क्या फायदा हुआ, आप हार गए आपको हराने को मेरे था ही उद्देश्य नहीं, तो आप हार गए मैं जीत गया हूँ मिला तो कुछ नहीं, तो क्या फायदा, मेरे जीत का फायदा क्या होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो तेरा दर्शन भाषण चिंतन करेंगे उसका कल्याण हो जाएगा। तो कहते अच्छा अच्छी बात है, तो ऐसा हुआ तो उसने इसको स्वीकार कर लिया, अगर मर जाता बोला और अच्छा था, वो इतना जितना दे उतना ही सही, ऐसे बता गई है। ये हरिप्रसाद जी कही थी, हरिप्रसाद जी पंडित जी थे ना, वो बोले कि मैं एक दफे शेर जी के पीछे पड़ गया। अच्छा, ये भगत कौन इसे नाम बताओ। तो बोले के पूछ के कर दो के कर दो, करता करता जा खाट में सो गया। हरिप्रसाद जी के पीछे गया, शंको तो होगा नहीं, लाली पड़ गया। शेर जी बताए वन नाम, क्यों शेर जी मैंने तो सही लागो हो, हस दिया शेर जी, मैंने तो सही लागो हो, दूजा लोग देखो नहीं, हस रह गया जमा हो दी हो। हरिप्रसाद जी कही मैंने आ बात, तो ऐसा आदमी हो सकता है। तो मुक्ति की इच्छा रखना, कल्याण की इच्छा करना दोषी नहीं है, पर ऊंची ऊंची बात तो ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंची बात पता नहीं चलेगा, उस बात स्वीकार आई तो ये भी स्वार्थ न हो। ऐसा स्वार्थ न होने से उसी मुक्ति तो स्वतः होगी कि नहीं, आप विचार करो थोड़ा। जिसके मुक्ति की भी इच्छा नहीं है तो इच्छा रह सकती है क्या, ख्याल भाई ना, कोई इच्छा नहीं अपनी, तो इच्छा से कारण गुण संगो से सोता सोती ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण तो गुणों का संग ही है, तो गुणों का संग कैसे गया, उसके लिए है ही नहीं, तो वो तो वह समय में वैसा मुक्त ही गया। महाराज जी आपने अभी कहा कि एक कुर्सी खाली है, हम तो जो है वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाता है, तो फिर कैसी उसकी इच्छा पूरी हो, तो वो नया भक्त होता है, भक्ति आत्मजिज्ञास ज्ञान चार भक्त होते हैं, उस भगवान की समय में भक्त होता है, तो वो तो इससे भी ऊंचा हो सकता है ना, इससे भी ऊंचा भक्त हो सकता ही है। ये तो साधन की बात बताई, भगवान की समय समय तो शेर से निकाल था, हमारे सब मन चाहे होता है, ये तो ऋषि स्वर्ग मेरे सामने की बात है, दूसरे की इच्छा नहीं है, शेर से निकाल के हमारे तो मन चाहे ही होता है, सुन ही मन चाहे ही होता है, तो आपके मन चाहे कैसा होता है भाई, दुनिया का तो होता ही नहीं, आप एक भी मन चाहे कैसा होता है। तो वो शेर जी ने उत्तर दिया था कि भगवान की समय अपनी सेना डाल दी, भगवान जैसे सब ऐसे करो तो वही है सोई राम रस्ती शाखा को कोई तर्क बना हुई शाखा, तो भगवान की इच्छा वही है सोई राम रस्ती शाखा, राम की इच्छा हुआ राम की इच्छा है सोई हो ही करे, अन्यथा नहीं कोई, तो भगवान की इच्छा से होता है, होता है वो करते हैं, वो तो मन से अपना करते हैं, होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा में डाल दी, शादी के सुख हो गए दुख हो गए अनुकूप रहा है पति को रहा है, अपने भगवान की इच्छा होगी हमारी इच्छा ही होगी, वो सब हमारी इच्छा ही होगी, सब हमारी इच्छा ही होगी, हमारी इच्छा से होता जो होगा हमारी इच्छा ही अनुभव होता है, इस इच्छा ने खुद ने कहा था। इसमें जो ऐसा कोई हो सकता है दुनिया का कल्याण करने वाला, वो ये बात बताई थी, वो वो बताई कि अपने इतने बैठे हैं इन सत्संगियों में सिर्फ पापी से तो पापी हो,
और मूर्ख से मूर्ख हो, थोड़े से थोड़ा समय हो, तीन बात बताए। पापी से पापी हो अत्यंत, और मूर्ख से मूर्ख बिल्कुल पढ़ाई का जानकार कुछ नहीं हो, और थोड़े से थोड़े समय में मेरे से बहुत ऊंचा हो सकता है। अब वह बात बताए, वह भांकड़े हुई थी वो बात। एक लगे 12 महीना बताया था, 12 महीना काम करे और मैं कहूँ जैसे काम करे, एक अरे एक वजन ध्यान करे 12 महीना, दोनों बात हुए, फिर दोनों बात काम करने वाले को फिर एक दिन मैं सत्संग बात सुनाऊ तो वैसी जैसी ऊंची स्थिति होगी फिर एकांत भजन करने वाले की नहीं होगी। एक बात ये कही थी कि मैं कहूँ और जैसे ही करो और भगवत प्राप्ति न हो तो मैं जूता मारू आपने, ये भी कही थी वो। ये गीता भवन बन गया था, ये तो पहले की बात है ना कि अभी देखो तो ये गीता भवन बन गया नहीं, अभी गीता भवन बनने के बाद ऊपर सत्संग भवन नहीं बना था, तो वो बाहर बेरिंडे में सत्संग करते थे, जैसे कुछ कुछ बुद्धे आ रही थी और आदमी बहुत थोड़ा था उस समय। उस समय उसे कहा कि कोई आ जा तो उसने कोई वृत्ति आ जा, पाप की वृत्ति आ जा कोई, तो तुम गए कहाँ आ गया तुम गए, हम शेर जी के सत्संग आ रहे, यहाँ कैसे काम क्रोध लोग कैसे आ गए, जैसे कुत्ते को निकाल निकाल दो चल जाएगा, तुम समझ रहे हैं हम शेर जी सत्संग है, गोविंद का जी सत्संग है, हम कैसे आ गए, ऐसे मेरे सामने बात हो। तो जो विश्वास है भरोसा है तुम्हारे बात सब ठीक हो सके, श्रद्धा बढ़ जाए, शेर जी श्रद्धा कहते थे, श्रद्धा बढ़ जाइए, श्रद्धा होने में सब हो जाएगा, श्रद्धा विश्वास नहीं होने नहीं होता है। अश्रद्धा दाना पुरुषा धन से अश्य पर अप्राप्त मान निवर्तन ते संसार वर्तन ही, अश्रद्धा के कारण से बाध्य धर्म मरण में जाते हैं लोग। बात कही भी है मोदी जी आ और दो मित्र आपस में बात कर रहे थे, आज हम बात कर रहे थे तो शेर जी जा रहे थे बड़े नीचे सत्संग में करने के लिए, ये उस जंगल में बैठे हुए बात कर रहे थे, वशिष्ठ जी कह लिया और नाम मोदी जी का मित्र थे आपस में, आपस में बात कर रहे थे तो कुछ ऐसी कुछ हंसी विनोद की ऐसी बात हुई थी, तो बात शेर जी आ गए सामने, शेर जी जाते थे देव साई को कोई बात करना क्या करते हैं बात, तो शेर जी आप आ गए हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे सब जगह समझा करो तुम, हजरी हमारे देखो करो मन हजरी देखो तो बात कैसे करोगे, फिर तो भजन भजन सुनने की बात होगी, दूसरी बात नहीं कर सकोगे, खेलिया देखो वर्षिद जी के लिए बड़ा सेवा भाव था उसके। रात्रि में कलकत्ते में फुटपाथ पर पड़े हुए आदमी थे जिनमें जरा भी बोलने के कपड़ा नहीं था, वो बारदान ले जाते बोरी पुरानी दीदी बोरा ले करके इकट्ठी करते थे, कम्बल दुसा ऐसे इकट्ठी करते जाते, रात्रि में मोटर में ले जाते वो शुद्ध शुद्ध वो उठाते कर जाते, क्यों डेरे लगे दूसरे लग जाए पीछे तंग करे सभी तो छाने छिप कर जाते तो सूत्र सूत्र को आ जाते, नया भी कहा काम सूते कहा ऐसे ऐसे पंचित जी के लिए ऐसे काम करते थे, बड़े सेवा भाव था उनका। एक ही बात रो कही रहती हो कि मैंने जो जो आप कोई रूपन बोले थे कौन हो तो मैंने जी सो मानो विषय ही तो कोई मैं सामने आई बात वो मेरे सामने आई थी, मैं ही पूछा मैंने ही पूछा था, ये कंगरी कुटिया के ऊपर सात पर बात हो रही थी, पूछो शेर जी आप भी बात कहते हो ये आप बताओ आप कौन हो, जो जैसा मैंने वो कह दी वही तो कोई मेरे को जाने कैसा माने जैसा माने उनके लिए वही ऐसा बोल रहे थे, वहां जैसा माने उसके लिए वैसा ही हूँ मैं वही हूँ, तो
जो जैसा मनुष्य लिए ऐसा ही। तो शेर जी खुलासा करो इस बात का कि जो माने जैसा मेरे को माने उसी लिए वैसे ही हूँ मैं। कोई भगवान में भगवान, कोई भगत मान भगत, कोई ज्ञानी मान तो ज्ञानी, साधारण मान तो साधारण। ये था वहां प्रबंध आया, जो जैसा माने उनके लिए वो ही। तो इनको खुलासा करो साहब क्या बात हुई, तो आप कह सकते हो क्या ऐसा? ये खुलासा किया मेरे को, तुम कह सकते हो ऐसा? तो जैसा मत उसके लिए खुलासा करो। कुछ साथ बैठे थे बजरंग लाल जी पे प्रेस वाले जा रहे थे, वो फिर कुछ बातें सुनाओ, तो विशेष बातें सुनाई मेरे मन मारी। कभी कभी सत्संग होता दिन में शुरू करते, जो रात की रात निकल जाती, शाम को भी संध्या कर भोजन कर लगे, फिर रात नहीं सुबह संध्या कर नहीं उठे, रात भर बात होती। वही ऐसी बात हुई थी बगीचा में, हनुमान प्रसाद रहते थे उस बगीचे में, बातें हुई थी। तो मैंने उनको कहा था, मुझसे जी आप ऐसी बातें कहते हो जो पुस्तकों में भी हरे जगह नहीं मिलती, हमारे पास बहुत कम देखी हुई है ना, अब शास्त्रों में नहीं मिले बात तो मैं नहीं मानता हूँ, पर हमारे लिए हमें नहीं मिली ऐसी बातें आप कह देते हो, पुस्तकों में नहीं मिली ऐसी विशेष बातें कह देते हो। तो ज्ञान प्रभाव की योग बल जैसा हमारे आया है, ये क्या बात है? तो मैं पूछता हूँ आपके, ये ज्ञान प्रभाव की योग बल क्या बल है ये जैसे आप ऐसी बातें कहते हो? ये तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा आप पर ही हुई, हमारे पर नहीं करते, भगवान के पक्ष पर थे क्या? कि मैंने मानी आपने मानी नहीं। ऐसी कई बातें होती प्रश्न करते थे सामने, बहुत विलक्षण बोलते उनके द्वारा। देखो गीता प्रेस द्वारा सत्संग और कल्याण और पुस्तकों के द्वारा कितना लाभ हो रहा है। गणेश भगवान भगवान में तीर्थ यात्रा गई तो वहां पर वो शेर गंगा सदन भी कहते थे, वहां पहुंचे हम भी। तो शेर जी देखा गया तो गणेश्वर ने कहा कि हम साधु हो गए, पंडित हो गए, अच्छे अच्छे व्याख्यान देते हैं, परंतु इस बढ़िया ने जितना काम किया वेश जाति होकर, इतना किसी पंडित ने किया, सन्यासी ने नहीं किया, किसी त्यागी ने आदमी नहीं किया, जितना काम इन्होंने किया है, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कल्याण में अभी नहीं छपा है? कल्याण में सब सारा धर्म के सिद्धांत छपे, इतना प्रचार किसी ने नहीं किया है, ये मैं स्वंत ने कहा था। एक तो शेर जी बोला तीनों ऊपर दया करनी चाहिए, एक अति पंडित, एक अति धनी और एक अति मूर्ख, तीनों के ऊपर दया करनी चाहिए, इनका कल्याण होना मुश्किल है। रोगी अति दरिद्रात्मज्ञान अति धनी अत्यंत रोगी, ऐसा कल्याण नहीं होता है, ये विशेष दया के पात्र होते हैं। अधिक धनवान धनी उसका कल्याण नहीं होता, अत्यंत दरिद्र कल्याण नहीं होता, अत्यंत विद्वान कल्याण नहीं होता, उनका अभिमान होता है मन में। महाराष्ट्र में थे ना कौन पंडित, मोरोपंत बहुत विद्वान थे, जो भी जा रहे थे तीन ब्रह्म राक्षस बैठे थे, तो बातें कर रहे थे कि तीन दृष्ण राम नाम है, अब एक ये मोरन बड़े नाम ही विद्वान थे, वो कि एक अब ये मरेगा तो अपना यहाँ पर आएगा, चार हो जाएंगे मोरपंत। फिर उनके लग गई, फिर वो सत्संग लग गए, भजन ध्यान लग गए, कभी दशा ये हो गई हमारी। दरिद्र चिंता रोटी नहीं कपड़े भी अटी रात में, वो भजन कैसे करेगा? वो दोबारे कर्जा भी हो जाए, चिंता खड़ी जाती। अब पंडित के अभिमान ज्यादा रहता है, धनी का अभिमान ज्यादा रहता है, उसकी गरीबी रहती है ज्यादा, मानो रात दिन उसमें लगा रहता है। रोगी अति दरिद्र को वही ना तुम ज्ञान, ऐसा था वेदांत के श्री में आया था दुआ है।
नारायण 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 नारायण।